नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे यूपी से जुड़ी तमाम खबरों की ओर करने की, तो चलिए रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर। दरअसल राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। ऐसे में झड़प भी देखने को मिली है और संभल जाने की कोशिश में रोके गए हैं राहुल गांधी। यूपी पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया है, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां इससे पहले अपडेट सामने आ रही थी कि राहुल गांधी का काफिला संभल के लिए रवाना हो चुका है, तो वहीं यूपी पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को बीच में ही रोक लिया है। तो वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ अंकित प्रधान जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता के तौर पर। अंकित प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी थैंक यू मैम। जी अंकित जी, मैं जानना चाहूंगी, देखिए 10 तारीख तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इससे पहले हमने देखा था ये पूरा जो मामला है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर आदेश दिया था कि संभल में शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन इससे पहले देखा गया, पहले सपा और अब कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो संभल जाने की लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, बात करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पा रहे हैं, क्या कारण है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है कांग्रेस के तमाम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में संभल जाने? अंकित जी, मेरा सवाल सीधे सिर्फ ये है कि देखिए संभल को लेकर, संभल एक अभी काफी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, संभल में जो हिंसा हुई थी काफी संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में इस मामले को लेकर देखा गया था सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के वक्त साफ तौर पर कहा था कि संभल में शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ देखा गया है पहले सपा का प्रतिनिधिमंडल, अब कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो संभल जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि 10 तारीख तक सीधे सीधे ये कहा गया है कि बाहरी एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है संभल जाने की, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए हैं जी, और वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया। क्या अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ मिलना चाहते हैं, उनका दर्द बांटना चाहते हैं, तो इससे प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन ने ही तो मारे हैं वो लोग, प्रशासन अपनी नाकामी छुपाना चाहता है इसके पीछे, प्रशासन वादी जो सच्चाई। अंकित जी देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन ने ही उन लोगों को मारे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान आप एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रशासन ने मारा है, तो प्रशासन के भी तो कई अधिकारी जो है उस पूरे हादसे में घायल हुए, ऐसे कई पुलिसकर्मियों की जान जाने की जानकारी भी तो सामने आई है। देखिए आप ये बताइए ना, कौन से पुलिस वाले की डेथ हुई, आप बताइए जिस तरह से आंकड़े आते हैं वहां पर। तो इसलिए तो राहुल गांधी जी वहां पर, राहुल गांधी जी जो है वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, लोग दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, तो प्रशासन। अंकित जी लेकिन मोहब्बत की दुकान 10 तारीख के बाद भी तो खोली जा सकती है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखिए 10 तारीख तक तो वहाँ के जो सारे सबूत है वो दबा दिया जाएगा, जो बीजेपी का एजेंडा चल रहा है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा आपके हिसाब से अगर समझा जाए जी, अंकित जी मैं सबसे पहले आपसे बस इतना जानना चाहूंगी कि अगर आपके हिसाब से समझा जाए तो आखिर क्या है बीजेपी का एजेंडा? देखिए बीजेपी का एजेंडा है इसके पीछे राजनीति करना, वोटों की राजनीति करना, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं वो भी इसमें कामयाब नहीं हो रहे, तो अब सीधे प्रशासन से गोली चलवा रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम हिंदुओं की सरकारें चला रहे हैं, हम हिंदुओं के हितेशी हैं, हिंदुओं को नौकरी नहीं देते, हिंदुओं की ये बात नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के कंधे में बंदूक रखकर ये लोग चला रहे हैं। उसके जो कटाक्ष राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं वो ये राहुल गांधी जी वहां पर जाने से रोक रहे हैं जी। अंकित जी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के कंधे पर रखकर गोली चला रही है बीजेपी, लेकिन अगर ऐसे में अगर जानकारी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है हमने देखा था कि 250 से 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी पहचान कर ली गई है और लगातार ये जो पहचान करने, जो चिन्हित करने की कार्य है वो प्रशासन द्वारा लगातार जारी है। ऐसे में कई लोग शामिल हुए हैं, कई लोगों की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें हिंदू भी शामिल है और मुस्लिम भी शामिल है, तो यहाँ तो किस तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आप ये किस स्टेटमेंट, किस बिना पर ये बात कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के साथ, हिंदुओं और मुस्लिमों को एक तरह से तुष्टीकरण की यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, इनकी नीति यही है, इनका काम ही ये है कि ये बरगलाने का काम कर, अगर राहुल गांधी जी वहां जाना चाहते थे दिक्कत क्या है, क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर इन्होंने सब कुछ फेयर काम किया है तो जाने दे राहुल गांधी जी को, जाने दे उसे सपा के नेताओं को। राहुल गांधी जी ने तो अब ये भी कह दिया है कि मुझे अकेले अपनी गाड़ी में बैठा कर ले चलिए प्रशासन, और मैं अकेला ही उनकी गाड़ी में वापस आ जाऊंगा, तो इससे दिक्कत क्या है एक अकेले राहुल गांधी जी से ने? चलिए किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क अंकित जी से नहीं लग पा रहा है। बहरहाल तमाम बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित प्रधान जी।